अपनी दुर्लभ ऐतिहासिक विरासत और पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध राजस्थान को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने का काम बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी राजस्थान के कई जिलों को शानदार सड़कों और राजमार्गों से जोड़ने के लिए 2500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन करने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से राजस्थान को 314 किलोमीटर लंबाई की सड़कों की सौगात मिलेगी। इनमें 1613 करोड़ रुपए की लागत से 210 किलोमीटर लंबाई की जिन पांच सड़क परियोजनाओं को राजस्थान के लोगों की सेवा में लोकार्पित किया जा रहा है, उनमें 206 करोड़ रुपए की लागत से NH 158 पर ब्यावर आसिन सेक्शन में 44 किलोमीटर लंबी दो लेन पेव्ड शोल्डर सड़क की चौड़ाईकरण का काम पूरा किया गया है। NH 158 पर ही भीलवाड़ा जिले के आसिन से मांडल सेक्शन में 186 करोड़ रुपए की लागत से 43 किलोमीटर लंबाई की दो लेन पेव्ड शोल्डर सड़क का निर्माण हुआ है, तो राजसमंद जिले में NH 58 पर 107 करोड़ रुपए की लागत से ब्यावर से गोमती के बीच टोडगढ़ रावली अभ्यारण में वन्य जीवों के सुगम आवागमन के लिए 13 अंडरपास के साथ 14 किलोमीटर लंबी चार लेन सड़क का निर्माण पूरा किया जा चुका है। उसी तरह NH 48 के चित्तौड़गढ़ उदयपुर खंड पर 93 किलोमीटर लंबी छह लेन राजमार्ग का निर्माण 1100 करोड़ की लागत से पूरा किया गया है। वह भमरासिया मोड़ी कुराबड़ तक 16 किलोमीटर लंबी सड़क का सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण 14 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। एवं राजसमंद जिले में जेके सर्कल पर ब्लैक स्पॉट के सुधार हेतु फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है। 977 करोड़ रुपए की लागत से जिन 12 सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन होने जा रहा है, उनमें बाड़मेर जिले में NH 25 एक्सटेंशन पर गागरिया मुनाबाव खंड के बीच 56 किलोमीटर लंबी दो लेन पेव्ड शोल्डर सड़क का उन्नयन और चौड़ाईकरण 235 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। NH 68 पर गंधव सांचौर खंड पर सांचौर शहर के रानीवाड़ा सर्कल पर 363 करोड़ रुपए की लागत से 6 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जाएगा। वहीं केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष के माध्यम से 13 करोड़ रुपए की लागत से 12 जिले के बालुखा से अमलावाड़ा अली मौखमपुरा के बीच 11 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ाईकरण के साथ सीमेंट कॉन्क्रीट का काम होगा। इतना ही नहीं, उदयपुर जिले में साकरोदा मीनार के बीच 20 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ाईकरण का कार्य किया जाएगा, तो 17 करोड़ की लागत से उदयपुर में ही घड़ोली देलवाड़ा के बीच 13 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे ट्रैक से लोगों का आवागमन प्रभावित ना हो, इसके लिए 7 रेलवे ओवरब्रिज यानी आरओबी का निर्माण भी 329 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से किया जाएगा, जिसमें 3 अलवर जिले में, 1 भरतपुर शहर में, 2 निवाई टोंक में एवं 1 सांचौर जिले में बनने वाले आरओबी शामिल हैं। बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे काम से राजस्थान में न सिर्फ लोगों के लिए यातायात की सुविधाएं बढ़ेंगी, बल्कि यहां महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक लोगों का पहुंचना बहुत सुगम हो जाएगा। माननीय मंत्री श्री गडकरी जी की सकारात्मक सोच और प्रयासों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प सिद्धि में बदल रहा है।